आज ही दिन सन 1897 में मशहूर फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का जन्म हुआ था। नितिन बोस ने अपने सिने करियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। वर्ष 1977 में नितिन बोस को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही दिन सन 1920 में महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का निधन हुआ था। गणित के क्षेत्र में अपने समय के अनेक दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले श्रीनिवास रामानुजन ने केवल 32 साल की जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था और खुद से गणित सीखा। अपने जीवन भर में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। आज के दिन सन 1986 में चेर्नोबिल में परमाणु हादसा हुआ था। यह धमाका परमाणु रिएक्टर में हुआ, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी कण फैल गए। हवा और बादलों की वजह से रेडियोधर्मी कण सोवियत रूस के पश्चिमी हिस्से और यूरोप तक फैल गए। चेर्नोबिल दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हादसों में गिना जाता है। बहुत से लोग अब भी इस हादसे से प्रभावित हैं। आज एक दिन सन 1954 में ब्रितानी प्रशासन ने माऊ माऊ अभियान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। माऊ माऊ अभियान के कारण ब्रिटेन की कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ गई थी, जिस कारण सुरक्षा बलों ने माऊ माऊ के 10,000 से ज्यादा लोगों की घेराबंदी की थी। और आज एक दिन सन 1967 में रूसी अंतरिक्ष यात्री कर्नल व्लादिमीर कुमराव की सुयोज 1 अंतरिक्ष यान हादसे में मौत हो गई थी। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उन्होंने अपने सारे परीक्षण सफलतापूर्वक तय कर लिए थे।